दोस्तों, दो बीमारियां इस प्रकार की होती हैं कि वो अनेक बार जो नए एंट्रेंट्स होते हैं मेडिकल साइंस में, जब वो पहली पहली बार किसी पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, तो बहुत सारी डिजीज ऐसी होती है जिनके सिम्टम्स कई बार ओवरलैप करते हैं। तो उनको अलग अलग पहचानने के लिए और एक समय चाहिए होता है और बहुत अनुभव के बाद वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो अक्सर करके जो स्टूडेंट्स कई बार इस बात की चर्चा करते हैं कि जैसे जो एनल कैनाल के संदर्भ में दो या तीन शब्द इस प्रकार के आते हैं जो कि यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। एक तो इसमें जो शब्द है वो है एनल स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है कि कोई एक जगह है वो अपनी नॉर्मल से जो है वो श्रिंक हो जाए, बेसिकली उसको भी स्पाज्म कहते हैं। दूसरा इसी से रिलेटेड एक शब्द होता है स्टिनोसिस। स्टिनोसिस का मतलब होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो ल्यूमन है वो हार्ड होकर के, सबसे पहले वो कठिन होगी, यानी कि उसकी जो दीवार होगी वो कठिन होगी और कठिन होकर के वो धीरे धीरे संकुचित होगी। और स्पाज्म में क्या होगा कि जो उसका इंस्पेक्टर है या मसल है वो सडन से किसी कारण से जितनी रिलैक्स है वो रिलैक्स ना होकर के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी एक पर्टिकुलर पार्ट का, तो उसको स्पाज्म कहते हैं। और स्टिनोसिस में जो पूरी कैनाल है वो बेसिकली जो है सिकुड़ जाएगी। और तीसरा होता है एट्रेजिया। एट्रेजिया का मतलब होता है कंजेनाइटल नैरोइंग, यानी कि जो बॉडी में कुछ एक हमारे ऐसे एरियाज होते हैं जैसे खाने की नली है, जैसे जो बाइल है, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट हैं, या इसी प्रकार से एनल कैनाल है, ये बचपन से ही बिल्कुल एक थ्रेड रूप में होती है। मतलब ये खुली ना होकर के, इनका डेवलपमेंट ना होकर के, ये एक बेसिकली कंजेनाइटल एनोमली है जो कि भ्रूण के गर्भावस्था में ही उस जगह का बिल्कुल एक जो है वो कैनाल ना बन करके एक वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है वहां पे, उस जगह पे। तो उसको हम कहते हैं एट्रेजिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जन्मजात प्रॉब्लम है। दूसरा जो स्टिनोसिस है, स्टिनोसिस में भी जो पूरी की पूरी कैनाल है, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि इतनी लंबी ये कैनाल है, तो इस कैनाल में क्या हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए अंदर कोई इसमें एक सूजन आ जाती है, दोनों तरफ पूरे एरिया में सूजन होगी। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में सूजन होगी तो केवल इस जगह पे हार्डनिंग होगी तो वो स्टिनोसिस नहीं कर पाएगी क्योंकि बाकी एरिया हेल्दी है। लेकिन अगर पूरे एरिया में सूजन है या पूरे एरिया में घाव बन गए हैं तो क्या होगा कि जब वो भरेगा तो भरने के बाद जब कोई भी घाव शरीर में भरता है तो वहां पे क्या होता है, टाइटनिंग हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो वो जगह नॉर्मल से कम हो जाएगी, लेकिन वो पूरी की पूरी ल्यूमन ही कम होगी, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, स्टेनोसिस होगी। और दूसरा एक कंडीशन क्या हो सकती है कि मैं जब संबंध में एनल कैनाल के संदर्भ में यदि बात करता हूं, तो यदि किसी पर्सन को फिशर हो जाता है, फिशर होने के बाद मतलब वो एक प्रकार का घाव है और वो एनल कैनाल के बाहर की तरफ होता है, तो उस जगह पे जो इंटरनल इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर का मतलब ये होता है कि गुदा में दो प्रकार के इंस्पेक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल जो है वो इन्वॉलंटरी होता है, यानी कि उस पर शरीर का कोई नियंत्रण नहीं होता, और एक्सटर्नल जो है वो वॉलंटरी होता है, यानी कई बार जैसे कि हम लोग मल रोकने का या मूत्र रोकने का जो प्रयास करते हैं वो वॉलंटरी है, यानी कि जो हम उसको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ समय तक के लिए स्टूल को रोक सकते हैं। तो वहां पर यदि फिशर बन जाता है, फिशर बनने के कारण से उसी के जस्ट ऊपर की तरफ ये इंटरनल इंस्पेक्टर रहता है, तो ये जैसे ही यहाँ पे बेसिकली इसमें ये एक्सपोज होगा तो ये क्या होगा, स्पाज्म हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो जब हम एग्जामिनेशन करते हैं उस पेशेंट का, तो उस कंडीशन में वो ऑलरेडी इतना स्पाज्म की कंडीशन में हो जाता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसरटेन कि ये स्पाज्म है या पूरे एरिया में स्टेनोसिस हो चुकी है। स्टेनोसिस का मतलब, लेकिन इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यदि हम इस कंडीशन में कोई एक बेसिकली जाइलोकेन लिग्नोकेन का कुछ जेली या एनेस्थीशिया दे दे दें वहां पे, तो वो वापस रिलैक्स हो जाता है और हम बाकी की अंदर की पूरी एनल कैनाल की जो म्यूकोजा है वो सॉफ्ट होगी। लेकिन स्टेनोसिस में ऐसा नहीं होता है। स्टिनोसिस में अगर आप एनेस्थीशिया भी दे देते हैं तो चूंकि वो म्यूकोजा जो है वो परमानेंट श्रिंक हो चुकी है, आप तब भी वहां पे फिंगर से एग्जामिनेशन या किसी इंस्ट्रूमेंट को अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि वो पूरा का पूरा हार्ड होकर के वॉल श्रिंक कर गई है। और ऐसा बहुत सारे कारणों से होता है। इसमें एक प्रोक्टाइटिस, प्रोक्टाइटिस का मतलब होता है आइटिस, जहां भी लगते हैं उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, और प्रोक्ट मैंने गुदा, तो
गुदा में इन्फ्लामेशन का हो जाना, बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे पहले एक समय में गोनोरिया बहुत कॉमन होता था, तो गोनोरिया के कारण से प्रोक्टाइटिस होने से भी श्रिंक हो जाता है। इसी के अलावा जो है कुछ और भी डिजीजेस होती हैं, सिफिलिटिक भी इसमें होता था, और साथ ही साथ जो सर्जिकल इंजरीज होती हैं, जैसे कि हमने किसी पर्टिकुलर स्थान पर जो इंस्पेक्टर के बहुत अधिक डैमेज कर दिया, तो वहाँ पे श्रिंक होने से भी स्टेनोसिस हो जाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव भी ये बहुत कॉमन होती है, और तब इस कंडीशन में हम इसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। स्ट्रिक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेनोसिस तो पूरी ल्यूमेन को इन्वॉल्व करती है, और स्ट्रिक्चर जो होता है वो बेसिकली एक जहाँ जहाँ जिस एरिया में सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है उस पूरे एरिया में वो हार्डनिंग हो जाएगी, तो उसको स्ट्रिक्चर कहते हैं। इसलिए इन जो ये टर्म्स हैं, जैसे स्पाज्म है, जैसे स्ट्रिक्चर है, जैसे स्टेनोसिस है, और जैसे एट्रेजिया है, इनकी अलग 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 डेफिनेशन को आप समझने का प्रयास करें और इसको डायग्नोसिस करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।